गाइस, मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस सिर्फ 15 दिन फॉलो कर लीजिए, आपका चेस्ट और आपका आर्म्स बिल्कुल टोन हो जाएगा। अगर आपकी चेस्ट यानी आपकी जो ब्रेस्ट साइज है वो बहुत ज़्यादा बल्की है तो वो कम हो जाएगी, और अगर इनफैक्ट आपकी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है तो आपकी ब्रेस्ट टोन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट की एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपके एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म करके आपकी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को मतलब, टोन करती है। तो आज हम काम करने वाले हैं अपने ब्रेस्ट पर यानी चेस्ट एक्सरसाइज पर, और साथ में हम काम करने वाले हैं अपनी आर्म्स पर। अगर आपकी आर्म्स बहुत ज़्यादा लटकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उनको छुपाने का टाइम नहीं बल्कि फ्लॉन्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ दिनों में आपकी आर्म्स और आपका चेस्ट बहुत सेक्सी होने वाला है। तो बिना कुछ सोचे फटाफट से मेरी एक्सरसाइज देखो और फॉलो करो। फॉलो करने के बाद जो भी आपकी बॉडी पर रिजल्ट आएगा वो मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर करने के लिए आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टा पे मेरा अकाउंट है @ishamehra, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ में फेसबुक पे मेरा अकाउंट है हेल्थ टाइम। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे वीडियो नहीं बढ़ाना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1, गो। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ केबल मैट पे ले जाइए। यहाँ पे मैंने डंबल का इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो डोंट वरी, आप वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-1 लीटर की, ठीक है। अपनी लेग्स को इस तरीके से फोल्ड रखें, उसके बाद में वाटर बॉटल या डंबल को इस तरीके से आपने ऊपर ज्वाइन करना है, देन उसके बाद बैक लेकर आना है। इससे आपकी चेस्ट को बहुत अच्छा लुक मिलता है, आपकी ब्रेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अगर सैग है तो वो भी टोन हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, और अगर बल्कीनेस है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको करना है 20 टाइम्स, और इसे करने हैं आपने 4 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, डंबल को इस तरीके से हैंड में लेना है, और अपनी आर्म्स को फ्लाई करना है, ठीक है, ऊपर लेके जाना है। इससे आपकी लटकी हुई बाजू बहुत अच्छे से टोन होती है, और इससे आपकी ब्रेस्ट भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, जैसे कि अगर सैगिंग की प्रॉब्लम है तो वो उसको बहुत अच्छा शेप मिल जाएगा, और साथ में आपकी ब्रेस्ट बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी, बल्कीनेस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज से डबल इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको करना है आपने 20 टाइम्स, और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। और अगर वही आपके पास डंबल नहीं तो वाटर बॉटल उठा लो यार और शुरू हो जाओ।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी नीज को बेंड रखना है, अपनी चेस्ट को आगे करना है और आपने डंबल को इस तरीके से हैंड में लेते हुए आपने अपनी बाजुओं को बैक साइड पे पूरी फोर्स के साथ लेकर जाना है। इससे आपकी ब्रेस्ट बहुत अच्छे से शेप में आती है और उसका बल्किनेस खत्म होता है और साथ में अगर आपकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा सैग हो चुकी है तो वो लिफ्ट भी हो जाएगी। ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। तो देखो मत, शुरू हो जाओ यार। रेस्ट टाइम। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने डंबल को इस तरीके से हैंड में लेना है और उसके बाद में अपनी बाजों को डाउन साइड में ले जाकर बैक साइड पे लेके जाना है पूरी फोर्स के साथ। ऐसा करने के टाइम आपकी मसल्स में बहुत पेन होगा आर्म्स की और शोल्डर की, लेकिन डेफिनेटली आपके आर्म्स को बहुत अच्छे से टोन करेगा, आपके शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करेगा और ब्रेस्ट को तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। रेस्ट टाइम। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल को इस तरीके से ऊपर से होल्ड करना है या फिर वाटर बॉटल को, ठीक है, और अपनी बाजू को अपने कान के पास सटा के रखना है। मेक श्योर आपकी बाजू हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बाजू को ज्यादा मूवमेंट देंगे तो उससे आपकी आर्म्स टोन नहीं होंगी। आपने डंबल को डाउन साइड लेके जाना है, देन अप साइड लेके जाना है। ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। ये आपके ब्रेस्ट को भी बहुत अच्छे से लिफ्ट करेगी और उसको बहुत अच्छा शेप देगी।